हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, काफ़ी उठा पटक रहा आज दिन भर कि आज क्या कुछ होने वाला है। यूजीसी के जो एग्ज़ाम का जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ सीबीसी का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स का क्लास 10 12th का जो मामला था उसका लेकर के आज दिन भर काफ़ी उठक पटक रहा। काफ़ी बच्चों के कॉल्स आए, मैसेजेस आए, मेल्स आए, इवन मेल ऑल्सो। तो गाइज, अभी का मामला जो है वो मैं आपको पूरा चीज़ बता देता हूँ कि हुआ क्या, क्या नहीं हुआ। गाइज, ये जो पूरा लंबा चौड़ा बहस चल रहा था, ये मैंने कल भी कहा था, आज सुबह भी कहा था कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये हम सभी समझ सकते हैं। चाहे वो नीट और जेई की बात हो, क्लैट की बात हो, या यूजीसी की बात हो, या सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स की बात हो, कहीं ना कहीं वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ मामलों में जुड़े हुए हैं। और वो जो जहाँ पे जुड़े हुए हैं वो वर्ड है या वो चीज़ है एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं आया कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हो तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट किस तरह से डील करेगी, या जो संबंधित जो संस्थाएँ हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो किस तरह से डील करेंगे। आज तक ऐसा चीज़ कभी भी सामने नहीं आया, तो नेचुरल है इसमें उठापटक होना था। जहाँ तक सवाल है जेई का और नीट का, तो वो कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर सकते, पोस्टपोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइफ से जुड़े हुआ सवाल है, तो इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट होना ही होगा। और अपने जो शेड्यूल टाइम है, जो एक बार पहले शिफ्ट किया जा चुका है, यानी कि 1 से 6 सितंबर और जो भी नेक्स्ट डेट है उसी डेट्स पे होंगे, डेट चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आज का जो बहस था वो था यूजीसी फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसके ऊपर में, साथ ही साथ में सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि आज जो दिन भर जो मामला चला, दिन भर सुनवाई चली, ठीक है। इस सुनवाई के दौरान में यूजीसी ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको अपडेट दिया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये फैसला लिया गया है कि एग्ज़ाम्स करवाने का जो सिचुएशन है वहाँ पे वो नहीं है मौजूद, उस तरह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाया जाता। वहाँ का जो अथॉरिटी है, DMA, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, वो उसने प्रस्ताव किया है कि नहीं इस तरह से एग्ज़ाम्स लिए जाएं, क्योंकि सिचुएशन वर्स्ट हो सकता है। तो UGC के जो वकील हैं उन्होंने ये बात कहा कि सरकारें जो हैं वो, राज्य सरकारें, वो ये नहीं कह सकते कि परीक्षा आयोजित नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम को कुछ और जो आगे समय के लिए पोस्टपोन कर दें, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ बात सब चलता रहा, और इसमें जो मामला निकल कर के आया है वो ये है कि हमें एग्ज़ाम लेना है। मतलब UGC का कहना था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि डेट्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, ठीक है, लेकिन वी कांट कैंसिल द एग्ज़ामिनेशन। जो डिमांड था राज्य सरकारों का, या स्टूडेंट्स के ने भी, जो ग्रुप ने, एक बड़े ग्रुप ने जो ये PIL दाखिल किया था कि भाई एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, तो वैसा नहीं किया गया। अब मामला यहाँ पर ये आता है, मैं आप सभी CBSE वालों स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूँ कि और PILs पड़े हैं रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ CBSE कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लास 10 12th, ठीक है, और PILs पड़े हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ISA ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने जितने भी राज्य सरकारें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लिखा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक या दो सरकारों ने ही उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बाकी सरकारों ने कोई रिमार्क या कोई टिप्पणी अभी तक नहीं किया है। जबकि ISA ने ये सपोर्ट मांगा था कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में हमारा फेवर कीजिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्टूडेंट ये तय नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स का हित किस में है। बहुत गौर से सुनिए गाइस, मैं वो वर्ड्स बोल रहा हूँ इस वक्त जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ या कहा गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इस पूरे मामले की सुनवाई करते समय, बीच में कहा उन्होंने कि छात्रों का हित किस में है ये छात्र तय नहीं कर सकते, इसके लिए जो रिलेटेड गवर्निंग बॉडीज जो हैं, वैधानिक संस्था जो है, उन्हें ये डिसाइड करना है, ठीक है। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, सरकारों का सवाल है, तो
उसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें दो काम कर सकती हैं, एक वो कि वो परीक्षा कराने में खुद को अक्षम बताते हुए हाथ खड़ा कर दे, मतलब ये कह दे कि हम कैपेबल नहीं हैं एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में, या तो एक ये कह दें, ठीक है, या फिर सेकंड चीज पिछली परीक्षा के नतीजे के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दें। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, हमें ध्यान देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो चीज़ें कर सकती हैं, एक ये कि वो सरकार ये कह दे कि हम भाई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते, हम कैपेबल ही नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये कि पिछली परीक्षा के नतीजे के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दे। तो बिहार तेलंगाना ने जो किया था कि भाई हम एग्ज़ाम को बच्चे को ग्रेस मार्क्स दे करके हम पास कर दे रहे हैं, उन्होंने ये सेकेंड ऑप्शन को लिया था, और कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन को भी कि एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जा सकते तो हम बच्चे को पास कर दे रहे हैं। तो मतलब ये कि जिस तरह से बिहार या तेलंगाना ने ऐसा किया था, अगर सीबीएसई भी चाहता तो ऐसा कुछ कर सकता था, ये उनके डायरेक्ट बायलॉज में नहीं है। वी एग्री, हम मानते हैं इस बात को कि ऐसा सिचुएशन था ही नहीं, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, लेकिन लेकिन जिस तरह से बिहार ने स्टेप उठाया, तेलंगाना ने स्टेप उठाया, तो सीबीएसई भी ऐसा कर सकती थी। हालांकि आप सभी को पता है सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फॉर्म्स जो है वो निकाल दिए हैं, लास्ट डेट आपको पता है 20 अगस्त शाम 5 बजे तक है, उतने के अंदर में फॉर्म भरना है। तो मैं पहले आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आप लोग फॉर्म भर लो, सो डैट कि आपके दिमाग से एक प्रेशर खत्म हो जाए, बिकॉज आज 18 तारीख हो चुका, ठीक है, 2 दिन बचे हैं, लास्ट मोमेंट लेना किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं है। तो आप फॉर्म भर दो, अगर कैंसिलेशन होता है या इस तरह का कुछ भी होता है तो मामला आपके फेवर में है, ठीक है, लेकिन अगर डिले होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए पहले आप फॉर्म भर दो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए कई तरह के मामले उठाए गए, ठीक है, जिसमें कि जो जिन्होंने पीएल दाखिल किया था उन्होंने, उनमें से कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कोविड पॉजिटिव थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई ऐसे सिचुएशन में हम एग्ज़ाम कैसे दें, ठीक है। बहुत सारे मामले गाइज यहाँ पे उठे कोर्ट में, वकीलों के तरफ से भी ज़ोरदार बहस की गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक मामला निकल के ये आया है कि सारा पक्ष को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 3 दिनों के अंदर अंदर में अपने रिपोर्ट को सबमिशन करें, मतलब फाइनल सबमिशन जिसे कहा जाता है कोर्ट की भाषा में, कि जब सारी सुनवाई पूरी हो जाती है तो कोर्ट जो है वो कहता है वकील से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उन पक्षों से कहता है कि भाई आपको अपना जो पक्ष है आपको रिटर्न सबमिशन देना है, ठीक है, उसके बाद में जो फाइनल वर्डिक्ट होता है, फैसला जो होता है वो कोर्ट अपना सुनाती है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि टुडे इज़ 18th, 19th, 20th, 21st, यानी कि 21 तारीख या 22 तारीख तक के लिए ये मामला जो है फर्दर वो टल चुका है, ठीक है, ये टल चुका है। आप किसी फेक वीडियोस, मेरे इतना देर वीडियो बनाने के रीज़न पीछे ये था कि मैं चाहता था कि पूरे चीज़ों को, हर चीज़ को, हर स्टेप को पहले मैं समझ लूँ, उसके बाद में मैं आपसे शेयर करूँ हर चीज़ों को, क्योंकि आप सभी का, गार्जियंस का, पेरेंट्स का, बच्चों का बहुत ज़्यादा फेथ है हम पर, और साथ ही साथ सब जानते हैं कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं, भले ही हम थोड़ा सा डिले कर दें वो सही है, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास जाना चाहिए। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि मैंने देखा कुछ बच्चों ने फिर अभी मुझे बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक शेयर किया है, ठीक है, और कहा कि सर इसको थोड़ा सा देखिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी फेक न्यूज़ फेक वीडियो से बचें, ठीक है। अभी मामला यूजीसी और सीबीएसई पे अटका हुआ है, और 3 दिन में शायद मुझे लगता है कि कुछ और ज़्यादा मामला निकल करके आएगा, लेकिन अभी 100% श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता कि वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, ये कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक यूजीसी का सवाल है, वहाँ उसमें एक हिंट जा रहा है कि यूजीसी के एग्ज़ाम्स को 30 सितंबर जो रखा गया था उसको और थोड़ा आगे के लिए फॉरवर्ड किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक ही ऑप्शन है, या तो बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर दिया जाए, या तो फिर एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, या तो फिर एग्ज़ाम लिया जाए, ये मतलब 2 ही 3 केसेस यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि बच्चों आप लोग अपने प्रिपरेशन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी फेक न्यूज़ किसी वीडियोज़ फेक वीडियोज़ के चक्कर में आप बिल्कुल नहीं पढ़ो, प्लीज़ सीरियसली आप लोग अपने पढ़ाई पर लगे हुए रहो बिना मन को भटकाए हुए, ठीक है। मैंने आपको सुबह भी आज बताया कि मामला कुछ और हो सकता था, और ये मैं आज से नहीं बोल रहा था,
बहुत पहले से बोल रहा था कि मामला कुछ और हो सकता था, लेकिन सारा मामला उलझा है कि एक ही टीम जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है तो नतीजा कुछ ना कुछ और आने के चांसेस बहुत रहते हैं, और वो इस केस में भी हुआ। चाहे वो जेई नीट एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो UGC हो, चाहे वो आपका CBSE हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ पर मामला देखा गया कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन आपस में ही कहीं ना कहीं उलझे हुए थे, जो कि उनके खुद के खिलाफ गया। या कह लीजिए कि एक टीम जीता तो एक टीम तो हारना था ही था, लेकिन जहां सिर्फ दो टीमें होनी चाहिए थी, दो पार्टीज होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट एंड स्टूडेंट्स, वहीं स्टूडेंट्स में दो टीमें थी और उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो थी ही थी, या कंसर्निंग बॉडीज। ठीक है गाइज, तो अभी हमें वेट एंड वॉच पीएम नीति पे जाना पड़ेगा। मामला जेन्युइन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को फील कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि कंसर्निंग बॉडी जब कहता है, जो बॉडी जुड़ा हुआ है वो कहता है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, तो फिर मुश्किल है। इसको कुछ इस तरह से आप लोग समझो कि अगर आपको कहीं जाना हो देर रात को, देर इवनिंग को, और आप कहते हो यार मैं तो चला जाऊँगा, आप अपने पेरेंट को कहते हो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी 9 या 10 ही तो बज रहा है, मैं वहाँ से होकर आ सकता हूँ, उनका चिंता करना जायज़ है कि यार रात इतना लेट कैसे जाएगा, लेकिन आप कहते हो जा सकते हैं, तो फिर उनके पास बोलने के लिए शायद कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि जो गवर्निंग बॉडी है CBSE जो है, अगर हम CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम की बात करें, वो कहती है हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं SOP सारे नियमों को, सोशल डिस्टेंसिंग को, सब चीज़ को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो आप गाइज 3 दिनों के लिए और मामला टल गया है, इसलिए बच्चों अब हमारे चैनल ने ये फैसला किया है कि हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि हमने ट्वीट और PM को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर ड्राफ्ट करके भेजा है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने प्रिपरेशन में कैरी ऑन कीजिए, किसी भी हालत में प्रिपरेशन मत छोड़ो, बने हुए रहो, लेकिन सिर्फ इसी के भरोसे हुए बैठे हुए मत रहो किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि आप सभी सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपके लाइफ का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है, हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है। सो डैट्स इट, आप लोग सीधा सीधा अपना पढ़ाई पे लगे रहो। ठीक है, और हम इसमें आपका हेल्प करेंगे, हमारे साइड से जिन जिन सब्जेक्ट्स में कोशिश हो सकेगी, हर सब्जेक्ट में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो डैट आपके वो पढ़ाई में वो कहीं ना कहीं हेल्प थोड़ा बहुत भी कर सके, तो आपको बस बने रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आपको अब मामला बस एट द एंड कंक्लूजन ये है कि हमें 3 दिन और वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट UGC के मामले को अलग मानते हुए, CBSE के मामले को सेपरेट मानते हुए, अगर कल परसों में कुछ अलग उनके लिए सेपरेट कुछ निकाल दे तो बात अलग है, अदरवाइज़ 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइज अभी के लिए बस इतना, कुछ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा छोटा से छोटा तो हम लाइव सेशन में भी आएंगे या हम आपके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आपको अपना पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है एट एनी कॉस्ट, एंड दैट ऑल्सो बिना झुके हुए, बिना डरे हुए, बिना डिगे हुए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज ऑल फ्रॉम योर विशाल सर, प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।